हम आज अपनी 150 गाड़ी लेकर यहाँ आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। राकेश टिकैत जी के साथ है पंजाबी सारे। बीजेपी सरकार गोली चलवाए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यदि यहाँ पर किसानों का खून बहा दिया तो मैं वादा करता हूँ ऐसा आंदोलन कभी हुआ नहीं होगा। हम सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं पंजाब के लोग। हमें जब मालूम पड़ा रात की राकेश टिकैत जी को टॉर्चर किया जा रहा है सरकार की तरफ से, हमने आज सोचा कि हम कम से कम 150 गाड़ी लेके सिंघू बॉर्डर से चलें और इतने गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे। हम आज अपनी 150 गाड़ी लेकर यहां आए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। टिकैत जी को पानी पिलाओगे? पिलाएंगे। पानी लेकर आए हैं? हाँ लेके आए हैं, देखो पीछे बोतल पानी। आ देखो ये टिकैत जी के गांव का पानी है। गांव का पानी है। अच्छा जी, मोदी सरकार के लिए आप क्या कहेंगे? राकेश टिकैत जी के साथ है पंजाबी सारे। जब पंजाबी को पता चला कि ऐसा होने वाला है, सरकार राकेश टिकैत जी को टॉर्चर कर रही है, तो उन्होंने हमें पंजाब से फोन कर बताया। हमारा तो निटे सिंघू बॉर्डर पर बंद किया है सरकार ने। हमें सब कुछ जो भी न्यूज आया है फोन पे ऊपर पंजाब से फोन आया कि राकेश टिकैत जी के साथ जाकर खड़ो। कल क्या हुआ था यहाँ पर? कल यहाँ पर क्या हुआ कि बीजेपी के विधायक है, इसी ने वो षड्यंत्र साइन बाग में आंदोलन हुआ था उसमें रचा था, वही षड्यंत्र रचने के लिए ये विधायक आया था। ये सोच रहा था कि टिकैत जी को पकड़ लें और सरदारों पर हमला कर दें, जिससे कि ये हो जाएगा कि यानी किसानों ने ही किसानों को मारा है, ये षड्यंत्र था। लेकिन हम आपको बता दें, हमारा शांति प्रिय धरना है, शांति प्रिय करेंगे। बीजेपी सरकार गोली चलवाए, हम लोग कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ किसान का यदि खून बहेगा तो हमारे जवान का बॉर्डर पर खून खोलेगा। ये सरकार भूल जाए बीजेपी, हमारा बेटा है वहाँ पर, ना कि विधायक का, ना सांसद का, ना व्यापारी का, ना उद्योगपति का। इसलिए ये ध्यान कर ले सरकार, यदि यहाँ पर किसानों का खून बहा दिया तो मैं वादा करता हूँ ऐसा आंदोलन कभी हुआ नहीं होगा। जो हमारे बेटे हैं वो बॉर्डर छोड़ के हमारे किसानों की रक्षा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि यहाँ पर किसी के बेटे नहीं हैं, किसान के बेटे जवान हैं, और जवान कभी भी गद्दार नहीं होता है। यदि गद्दार होते हैं तो ये राजनीतिक पार्टी वाले गद्दार होते हैं, हम लोगों का वोट लेते हैं और फिर 5 साल उल्लू बनाते हैं। इसलिए जब हमने इसको जमीन से उठा करके आसमान पर पहुंचाया, यही किसान उसको आसमान से जमीन पर फेंक देगा और इसका नाम लेने वाला नहीं रहेगा। आज तक जितने भी देख लो दमनकारी जितने भी नेता हुए हैं, वो उस नेताओं के आज तक कोई नाम लेने वाला नहीं हुआ है। और हमारे जितने जवान और किसान शहीद हुए हैं उनका नाम हमेशा लिया जाएगा और लेते रहेंगे, इनका नाम कभी मरने वाला नहीं है। लेकिन आतताइयों का नाम आतंकवाद के बाद लुप्त हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ जय जवान जय किसान।